जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद सूर्या से पूछा गया कि क्या वह वाकई में मिस्टर 360 डिग्री हैं। साथ ही उनसे डिविलियर्स से तुलना के बारे में पूछा गया। इस पर सूर्या ने क्या जवाब दिया आगे आपको वीडियो में बताते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सूर्य कुमार यादव के स्कूप शॉट ने दुनिया भर की क्रिकेट प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी ओवर में सूर्य कुमार ने ऑफ स्टंप के बाहर बाहर जा रही गेंद को स्कूप कर हाई लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर मिस्टर 360 डिग्री को लेकर बहस छिड़ गई। मिस्टर 360 उस खिलाड़ी को कहा जाता है जो मैदान के किसी भी कोने में छक्का लगाने में माहिर हो। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इसमें बहुत ही माहिर माने जाते थे, जिस कारण ही उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था। अब दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार के नाम से भी इस उपाधि को जोड़ा जा रहा है। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद जब सूर्या से इस बारे में पूछा गया कि क्या वह वाकई में मिस्टर 360 डिग्री हैं, साथ ही उनसे डिविलियर्स से तुलना के बारे में भी पूछा गया, इस पर सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही 360 डिग्री खिलाड़ी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी तरह खेल सकूं। अब उनके इस बयान पर डिविलियर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिविलियर्स ने सूर्य कुमार के इस बयान पर जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, आप जल्द ही इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे और आप में उससे भी आगे निकलने की क्षमता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। सूर्य कुमार यादव ने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज के मैच में 25 गेंदों पर 61 रन की नाबाद ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अपनी पारी में सूर्या ने 6 चौके और 4 छक्के जड़े थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 244 का रहा था। सूर्य कुमार की यह इस टूर्नामेंट की तीसरी 50 रही। इससे पहले वह नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ चुके हैं। भारत को अब 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड ओवल में सेमीफाइनल खेलना है। लोगों को सूर्य कुमार से एक बार फिर बहुत ही बड़ी उम्मीदें हैं कि वह बेहतरीन पारी खेलेंगे और इंडिया को फाइनल में पहुंचाएंगे। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाए?